स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूं और आपको बता दूं कि कमेंट्स जितने आ रहे हैं सबको मैं रीड करता हूं। तो एक जन का कमेंट बहुत बढ़िया आया कि अपनी गाड़ी का जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उसमें से जब बहुत सी चीजें निकाल दी हैं तो आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है और साउंड कैसा है और उसके बाद कैसी गाड़ी चल रही है। तो अभी मैं गाड़ी को लेके आया हूँ, थोड़ा सा विलेज टाइप का एरिया है जहाँ सिंगल रोड होती है। तो जैसे कि हाईवे रोड पे अगर जाते हैं तो उतना समझ में नहीं आता लाउडनेस का कि क्या कैसा है। आपको बताऊं कि गाड़ी को मैं थोड़ा टेपर में खड़ा किया हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अभी इसमें क्या क्या सिस्टम लगा है एग्जॉस्ट का और क्या नहीं लगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी गाड़ी में जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, कोशिश करता हूँ कि मैं दिखा पाऊँ क्योंकि गाड़ी टेपर में हल्का सा खड़ी किया हूँ ताकि दिख सके कि कितना सिस्टम अभी उसमें लगा है और मैं जो जो बाहर निकाल के रखा हूँ उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैंने अपने एग्जॉस्ट सिस्टम से क्या क्या चीज निकाल दिया है। तो ये जो आप ढोलकी देख रहे हैं, ये ढोलकी है जो हमारे कैटलेटिक कन्वर्टर के आगे लगती है, मतलब कार के पीछे साइड लगती है। पहले कैटलिक कन्वर्टर होता है, फिर ए होता है, फिर उसके बाद ये पाइप होती है और पाइप के एंड में लास्ट वाली ढोलकी थी जिसकी मैंने अभी जो रिसेंटली वीडियो मैंने डाला है कि उसमें उस ढोलकी को मैंने कट कर दिया क्योंकि वो अंदर से टूट चुकी थी। तो अभी इसमें से दो चीज निकला हुआ है, कुल मिला के ये मान सकते हैं आप कि तीन चीज निकली हुई है, एक तो ये पाइप, एक ये ढोलकी और एक लास्ट वाली ढोलकी। तो अभी बचा क्या है, इसमें बचा है ओनली कैटलेटिक कन्वर्टर और उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो मैं दिखा देता हूं आपको, कोशिश करता हूं दिखाने की। तो यहां पे आप देख सकते हैं कोई भी हमारे गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है नहीं है, इस साइड से तो नहीं दिख रहा है, मैं दूसरे साइड से दिखाने की कोशिश करता हूं। अरे इस साइड से भी नहीं दिख रहा, उस साइड चलो। तो मैं आपको अब दिखाता हूं कि सिंपल जो हमारा कैटलिटिक कन्वर्टर है वो बस इसमें लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं अभी केवल इतना सिस्टम लगा है। इसके आगे जो ढोलकी अभी मैं आपको दिखाया कि बूट में रखी है वो ढोलकी लगेगी, ढोलकी के आगे पाइप और पाइप के आगे जो लास्ट वाली ढोलकी थी वो लगती, लेकिन वो ढोलकी तो अब खत्म हो चुकी है तो लगेगी नहीं। तो अभी केवल इतना सिस्टम है। तो आप लोग जानना चाहते थे कि इसका रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स मीन्स कि मतलब गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ रहा कि घट रहा, माइलेज पे क्या असर पड़ रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट सिस्टम है वो सही सलामत हो तो इसके साथ छेड़खानी बिल्कुल भी मत करिए क्योंकि आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ, मेरे में जब कोई प्रॉब्लम आती है तभी मैं करता हूँ। तो प्रॉब्लम्स आई थी इस वजह से मैंने उसको निकाला। तो अगर आपकी गाड़ी का सब कुछ सही है तो फिर आप कुछ भी मत करिए। हाँ, गाड़ी में पिकअप तो थोड़ा बहुत इंक्रीज ऐसा लगता है क्योंकि जब हम चलाते हैं तो बूम बूम की साउंड आती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ गाड़ी में पिकअप बढ़ गया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि उस हिसाब से बढ़ा होगा। तो अब मैं आपको साउंड सुनाता हूँ कि गाड़ी का साउंड क्या है और थोड़ा पिकअप भी दिखाऊंगा चला के कि कैसे चल रही है गाड़ी। तो अभी कार को इनिशियली स्टार्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इनिशियल में क्या गाड़ी साउंड करती है ओनली कैटलिक कन्वर्टर के साथ। तो दो चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है और तीसरा तो आपको बता ही चुका हूँ। अब चलिए गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, इसके बाद फिर आपको चला के भी दिखाता हूँ गाड़ी की साउंड क्या है। और ऐसे रोड्स पे जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हॉर्न भी आप मारेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है और हमारी हेडलाइट की रोशनी भी ऐसे रोडों पे ज़्यादा समझ में आती है, लेकिन हाईवे में फोर लेन में इतना समझ में नहीं आते। तो अब हम कार को स्टार्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। फैन बंद करो, फैन बंद करो, हाँ उसको बंद, हाँ बस न्यूट्रल है ना, हाँ चलो। कार स्टार्ट हो चुकी है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका साउंड क्या आ रहा है। इसका कुछ बेसी साउंड आ रहा है, आप सुनिए गौर से। ये जिसमें हल्का पानी पानी दिख रहा है यही हमारा कैटलिक कन्वर्टर है और केवल सिंपल यही बस लगा, इस वजह से थोड़ा इस तरह की आवाज़ है, मोटी टाइप बेसी। और अब मैं आपको गाड़ी को चला के दिखाता हूँ। Yeah.
आप लोगों की डिमांड थी, इस वजह से मैं ये वीडियो बनाया, क्योंकि लोग कमेंट्स कर रहे थे कि अब साइलेंसर निकालने के बाद गाड़ी का साउंड क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। तो मैं आपको दिखा दिया, थोड़ा परफॉर्मेंस में ऐसा लगता है जब गाड़ी थोड़ा इनिशियली रैप करती है ना, तो ऐसा लगता है गाड़ी भाग रही है, एकदम बूम बूम वाली साउंड आती है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, नोटिस किए होंगे तो। लेकिन मैं जितना सामान अभी बूट में दिख रहा है उतना मैं अपने एग्जॉस्ट में लगा दूंगा, और जो पीछे वाली सबसे लास्ट की ढोलकी थी वो तो अब मैं लगाऊंगा नहीं। तो अभी जितना बूट पे सामान दिख रहा है उनको मैं लगा दूंगा, और थोड़ा सा मैं कार के अंदर आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या साउंड आ रहा है, तो आप नोटिस करिएगा, एकदम शांति बनाओ। तो आपने नोटिस किया होगा कि कैसा साउंड आ रहा है, एकदम बूम बूम टाइप साउंड आ रहा है इसमें। तो कल दीपावली थी, आज परिवा है, तो दुकानें बंद है, सामान मिल नहीं रहा है, इस वजह से मैं अभी ये अपने साइलेंसर का वो जो मॉडिफिकेशन करने वाला तो कर नहीं पाया, और बहुत से काम है मुझे तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ इस वजह से। तो जहाँ मार्केट खुलेगी काम होने लगेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।